सरकार हाय 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 हाय, भारत सरकार हाय 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 हाय, भारत सरकार हाय 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 हाय। विदेश की दलाली बंद करो बंद करो, मोदी की दलाली बंद करो बंद करो बंद करो, मोदी की दलाली बंद करो बंद करो। महाराष्ट्र में ये जो सरकार आई है, ये सरकार कोई मैंडेट लेके आई नहीं है, ये ज़बरदस्ती छाती पे बैठे हुए लोग हैं और ये लोगों की हिम्मत नहीं है कि महाराष्ट्र के जो प्रकल्प जा रहे हैं उनको रोकने की, उसका विरोध करने हम आए हैं। पहले जो गया है, पहले बल्क मेडिसिन पार्क गया, मेडिकल इक्विपमेंट पार्क गया, वेदांता फॉस्कन गया और अभी टाटा एयरबेस गया। टाटा एयरबेस ये प्रोग्राम है और ये सबको तुम अगर मिला के देखते हो तो टोटल 2 लाख लोगों का रोजगार यहाँ से गया है। और ये हम ये नहीं बोले कि गुजरात गया इसलिए हम विरोध नहीं कर रहे, ये महाराष्ट्र का अलर्ट हो चुका था, ये महाराष्ट्र के हक की बात थी और महाराष्ट्र ने पूरा इंतजाम कर दिया था कि आप आके यहाँ बिजनेस करो, और ये हमारे मुंह से छीन के लेके जा रहे हैं। ये इसलिए लेके जा रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के दया पे, ईडी के दया पे यहाँ जो सरकार बनी है, खोके सरकार, वो खोके सरकार उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र के लीडर एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, फडणवीस साहब तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनको सत्ता मिल गई है। गडकरी साहब को क्या हो गया, गडकरी साहब ने बोलना चाहिए, संघ का मुख्यालय है यहाँ, संघी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा इसलिए विरोध है। जो सरकार है ये मोदी की दलाल है और ये सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए और गुजरात के चुनाव में जीत हासिल करना इनका उद्देश्य है, इसलिए महाराष्ट्र के प्रकल्प ये गुजरात लेके जा रहे हैं। इससे जो नागपुर के और विदर्भ के और महाराष्ट्र के जो बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके रोजगार छीनने का काम और ये पाप महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है।